हाय गाइस, वेलकम बैक टू द इंडोनो गेमा चैनल। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि बढ़िया होंगे। ये मैं किसकी लाइन बोल दी मैंने? चलो एनीवेज, तो गाइस आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक अपडेट पबजी मोबाइल की तरफ से। अपडेट तो नहीं है, पर ये एक्चुअली अपडेट ही हुआ। तो भाई हैकर्स, संभल जाओ, अब तुम्हारा समय नहीं रहा। तो गाइस, यही है अपडेट आज का पबजी मोबाइल के लिए। पबजी मोबाइल ऑपरेशन टीम ने भाई जारी किया है एक नोटिस। उस नोटिस में उन्होंने बताया कि भाई जितने भी हैकर्स हैं जो हैक करते हैं, चीट करते हैं और अपने गेम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या कहते थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं, कोई नहीं बच पाएगा, कोई भी नहीं बच पाएगा, सबको चुन चुन के मारा जाएगा। तो कर क्या रही है, असल में कर क्या रही है पबजी मोबाइल ऑपरेशन टीम? वो इन बंदों के जो भी हैक कर रहा है, चीट कर रहा है और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करता है अपने गेम को एट्रैक्टिव बनाने के लिए, उन बंदों के अकाउंट को वो बैन कर रही है। वो चाहे 10 साल, वो चाहे 10 अकाउंट बनाए, 20 अकाउंट बनाए, कितने भी अकाउंट बनाए, तो उनके अकाउंट को वो बैन कर रही है। अगर आपने कोई नया अकाउंट बनाया और तुरंत ये नया अकाउंट बना करके आपने कोई हैक किया और जो उसमें ट्रिक यूज़ की, चीट कोड वगैरह जो भी कुछ, तो पबजी मोबाइल ऑपरेशन टीम को पता चल जाएगा और वो उस अकाउंट को तुरंत ही बैन कर देंगे। और बैन करेंगे एक दो दिन के लिए नहीं, 4-5 दिन के लिए नहीं, पूरा का पूरा 10 साल के लिए पूरे अकाउंट को बैन कर रहे हैं भाई मेरे। आप उस अकाउंट से 10 साल के लिए पबजी मोबाइल नहीं यूज़ कर सकते। और उन्होंने ये भी नोटिस किया है कि वो अपने गेम को यार, वो मतलब अपने जो गेम है पबजी मोबाइल, उसको वो फेयर बनाना चाहते हैं। फेयर कि फेयर गेम हो, चीट ना हो, कि अगला बंदा यार नया गेमर आया है वो अपना क्लीन नहीं कर पा रहा है, हैकर उसको दूर से मार रहा है, दूर से पास ही नहीं भटकने दे रहा है, चाहे कितनी गोलियां मार रहा है उसे लगी नहीं रही है। तो अपने मोबाइल को, अपने गेम को फेयर बनाना चाहते हैं फेयर। तो फेयर बनाने के लिए उन्होंने ये नोटिस जारी किया और काफ़ी सारे बंदों के अकाउंट उन्होंने बंद भी कर दिए हैं, बैन कर दिए हैं। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा, या फिर उनके सारे अकाउंट मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा, आप चेक कर लेना। बहुत सारे अकाउंट गाइस बैन किए गाइस, सीरियसली बहुत सारे अकाउंट आप देखना। तो उन अकाउंट को बैन कर दी 10 सालों के लिए। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर आप खेल रहे हो पबजी मोबाइल और आपको कुछ ऐसी एक्टिविटी दिखती है कि अगले बंदे पे कि वो अननेचुरल है, मतलब वो गेम के लिए अननेचुरल है, कि वो बहुत तेज़ी स्पीड से भागता है, बहुत तेज़ साला गोली चलाता है, मतलब कोई एक जंप मारता है सीधा छत पर, तो आप उसे रिपोर्ट कीजिए। अगर आप रिपोर्ट नहीं करोगे तो पबजी ऑपरेशन टीम को पता नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि वो आप रिपोर्ट कीजिए, जितने भी हो सके आप रिपोर्ट कीजिए, आपको तुरंत दिखता है हैकर तो रिपोर्ट कीजिए। रिपोर्ट करने के बाद वो आपकी रिपोर्ट तुरंत काम करेंगे, उस हैकर के अकाउंट को तुरंत बंद करेंगे। और हैकर भैया समझ जाओ, नहीं चाहिए तुम्हारा टाइम, अब तुम्हारा टाइम ख़त्म। तो आज के लिए बस भाई इतना ही, यही था हमारा पबजी मोबाइल के लिए एक नोटिस जो कि पबजी मोबाइल ऑपरेशन टीम ने किया। तो अब यार पबजी काफ़ी सुधर रहा है यार, नए नए अपडेट्स आ रहे हैं, नए नए सीजन्स आ रहे हैं, रॉयल पास नए, तो एक ये भी अपडेट खैर ज़रूरी था इसके लिए। भाई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, हैक करते हैं, चीट कोड यूज़ करते हैं, अगला बंदा साला फेयर खेलता है वो साला दूसरे ठोक के चले जाते हैं, क्या फ़ायदा, बेकार। तो उन्होंने सही डिसीज़न लिया, बढ़िया मस्त एकदम। तो कहते आज के लिए बस इतना ही, यही बताना था आपको। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बहुत अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना, कुछ भी बताना यार इस वीडियो के बारे में, अगली वीडियो के बारे में कुछ भी। तो तब तक के लिए गुड बाय और टाटा।